गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीपी डिस्कस किया था और जीपी में हम लोग एनाटम और कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और ये प्रॉब्लम हम लोग का एपी और जीपी के साथ मिक्सअप भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब आगे आपको जो भी प्रॉब्लम मिलेगा उसमें जीपी और एपी आपको वहाँ पर मिक्सअप होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक ऐसा ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि जैसे हमारे पास तीन नॉन जीरो नंबर्स हैं बच्चों ए बी सी, ठीक है, जो हम लोग का ए पी में। अब ये कह रहा है कि अगर मैं ए को वन से इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, ध्यान समझो, ए को वन से इंक्रीज कर दूँ और मतलब या अगर मैं सी को टू से इंक्रीज कर दूँ तो जो नंबर्स होंगे ना बच्चों वो बन जाएगा जी पी में। यानी कि अगर मैं ए पी में टर्म्स को मॉडिफाई करता हूँ तो वो टर्म्स हम लोग का क्या जा रहा है, जीपी में आ रहा है। और यही चीज हम लोग को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ए बी सी, ये तो एपी हो गया, ठीक। अब जैसे मैंने कहा कि अगर ए में वन से इंक्रीज कर दे, ए में सिर्फ वन से इंक्रीज कर रहे, बाकी की कोई चेंजेस नहीं हो रही है, इसका मतलब ए प्लस वन ये किस में होगा बच्चों, जीपी होगा। या तो मैं अगर सी में इंक्रीज कर दूं टू से तभी ये जीपी हो जाएगा। तो जब सी में इंक्रीज करेंगे तो ए और बी में कोई चेंजेस नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो एक्चुअल में ये तीन चीजें हमारे पास है, ए बी सी ए पी है, ये जी पी है और ये भी जी पी है, और ये तीनों को हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू। तो आपको फोकस करना है बी पे, ए और सी पे फोकस नहीं करना है, इसलिए हम लोग ए और सी को एलिमिनेट करने का काम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर बच्चों हमारे पास यहां पर ए बी सी ए पी में है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर ये हम लोग का जी पी है तो हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वन इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर इसे जी पी ले रहे हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ सी प्लस। अब बच्चों आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पर a और c को एलिमिनेट करें और b की वैल्यू निकालें। एक ये तरीका हो, दूसरा ये तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि a और c की वैल्यू निकाल कर b की वैल्यू निकालें। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग a और c में क्या रिलेशन निकालेंगे। तो हमें क्लियर दिख रहा है बच्चों यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हैं वो आपस में बराबर हो जा रहे हैं, है ना। तो a प्लस वन इंटू सी इक्वल टू, ठीक है, a इंटू सी प्लस टू गया बच्चों, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए सी प्लस सी इक्वल टू ए सी प्लस टू ए, यानी कि c इक्वल टू टू ए हो गया। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों कहीं भी अगर मुझे c दिख रहा है तो मैं इसको टू ए से रिप्लेस कर सकता हूँ और चीज़ों को आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में जहां भी सी है हम उसको 2a से रिप्लेस कर रहे हैं। तो 2b इक्वल टू a प्लस 2a, यानी कि 3a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गया भाई, 2b बाई 3 हो गया। अब ये वैल्यू को ध्यान रखना है क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अब b स्क्वायर, यानी कि हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, अब हम a की जगह क्या रख सकते हैं, ध्यान रखना, 2b बाई 3 प्लस 1, और c की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2a, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, स्क्वायर 2b बाई 3 प्लस 1, और हम लोग अगेन a की जगह क्या रखेंगे, 2b बाई 3, ठीक है। अब हम पूरे को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं यहाँ पर बच्चों, देखो ध्यान से क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, ठीक है, और ये हम लोग का 4b होगा, 4b हम लोग का 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8b स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12b, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 12b, और b स्क्वायर जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 12।
आपके माइंड में आएगा कि सर बी को जीरो क्यों ले लिए, क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में मेंशन है कि ये तीनों नंबर नॉन जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने फाइंड आउट किया बी की वैल्यू। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बस कंडीशन मैंने लिखा और कंडीशन में से बस ए और सी को एलिमिनेट करने की कोशिश किया और उसी समय बी की वैल्यू मिल जाती। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हम लोग को मिलते हैं, खासकर देखो अब तो प्रूफ वाले क्वेश्चन बच्चों नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कभी कभी चीज़ें जो हैं आपको मिलती आती। तो यहाँ पर बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक है जिसको मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर इंटू दिस वन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ये करेक्शन है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ चार टर्म जीपी में। कभी भी तीन टर्म या चार टर्म जीपी में दिए जाते हैं ना, तो आपके लिए सबसे आसान ये हो जाता है कि उनको शुरुआत के चार टर्म आप मान लो, ठीक है, जैसे ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, और उसके बाद उन सबको पुट करो, तो देखो चीज़ें बहुत आसानी से आपके सामने आ जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग ए बी सी डी अगर जी पी में है, ठीक है, तो अगर इस जी पी का कॉमन रेशियो आर है तो मैं बी को लिख सकता हूँ ए इंटू आर, सी को लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर, और डी को लिख सकता हूँ ए आर क्यू, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। अब बी सी डी की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, ठीक है, ध्यान ये रखना कि पुट करने के बाद ये जो है इन दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, आप ध्यान से लिख जाओ। तो अब वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, ए बी की जगह हम लोग ए आर रखेंगे तो ये ए स्क्वायर आर बन जाएगा, सी डी दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर आर की पावर 5, ठीक है, बी सी यानी कि ए स्क्वायर आर की। अब आप ध्यान से समझो इस बात को, अगर मैं यहां पर, ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर मेरा बाहर आ गया तो बन गया ए की पावर 4, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज बाहर आ सकता है भाई, ध्यान से देखो, यहां पर आर भी बाहर आ सकता है, तो ये हो गया आर स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद ये जो स्क्वायर है मैं इसे दो बार प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें रिजल्ट मैच करवाना है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, आर स्क्वायर आर की पावर 4 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। तो जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं यहां पर इस बात को ध्यान में रखें कि हमें वो टर्म्स चाहिए, ठीक। अब क्या करना है कि यहां पर आप एक काम ये करोगे कि यहां से एक आर स्क्वायर जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या एक आर, तो यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, आप चाहो तो हम राइट हैंड साइड को भी इस तरीके से सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म मिला सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हम लोग के लिए उस समय भी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। या अगर ध्यान से देखो, ये अगर ध्यान से देखो तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बनेगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 आ गया, देखो एक टर्म मैच कर गया कि नहीं कर गया, कर गया। उसके बाद ये वाला देखो ध्यान से, ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो यहां से मुझे समझ में आया कि मैं इसको कहां पर किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा हो तो आप रिजल्ट से भी सोच सकते हो कि सर यहां पर एक फैक्टर हम 1 प्लस आर स्क्वायर और आर की पावर 4 का बनाए, दूसरा आर स्क्वायर आर की पावर 4 आर की पावर 6 का बनाए, तो मैं ये आर स्क्वायर को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ए स्क्वायर को भी करूंगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है। अब एक आर स्क्वायर ए स्क्वायर जो बचेगा वो ए स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। अब चीजों को हम ए बी सी डी से रिप्लेस करने वाले भाई, तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा सी स्क्वायर, ये बन जाएगा डी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों देखो इस तरीके से हम लोग का फाइनली ये प्रूफ हो जाता है। तो हालांकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो हम लोग रिजल्ट को देखकर यानी राइट हैंड साइड को देखकर भी बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों कि हाँ भाई हमें किस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है या चीज़ों को किस तरह से वहाँ पर ब्रेक करना है ताकि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जब भी यहाँ पर प्रूफ करने की बात होगी तो आप टर्म को इस तरह से अगर एज्यूम करके सॉल्व करोगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आसान मिल जाती है। ठीक है, अब बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हम लोग का सम ऑफ जीपी। हम लोगों ने एथमेटिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला डिस्कस किया था और आज हम लोग यहाँ भी करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम लोगों ने एपी में सम के लिए एक ही फॉर्मूला डिस्कस किया था बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। एक होता है फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और एक होता है बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्या ये पॉसिबल है कि इनफाइनाइट नंबर अगर हो तो उसका सम निकाला जा सके? तो बच्चों नो डाउट हर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ खास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जरूर होते हैं जिनमें हम इनफाइनाइट के लिए सम निकालते हैं। ठीक है, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों जब मैं इनफाइनाइट की बात करूंगा। अभी फिलहाल जो मैं सम निकालने जा रहा हूं वो है बच्चों फॉर फाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो अब फाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है ये पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्या है, फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीपी सीरीज जो है वो हम लोग का किस फॉर्मेट में होता है भाई, ए आर स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। तो जब मैं सम निकालूंगा तो मैं सारे टर्म को इसी फॉर्मेट में लिखने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एस एन जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी जीपी के लिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यू और इस तरीके से ए आर की पावर एन माइनस वन। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जीपी के जो टर्म्स थे उसको इस फॉर्मेट में लिखा था, है ना? तो मैं अब उसी का यूज कर रहा हूं सम निकालने में। ठीक, अब देखो बच्चों यहां पर हमें करना क्या है कि अगर मुझे एस एन निकालना है तो मैं यहां पर कुछ मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं जिससे ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हमें करना क्या है कि हम इसी सीरीज को अगेन लिखेंगे। ठीक है, इसी सीरीज को अगेन लिखना है, ध्यान रखना है। और जब लिखेंगे तो बस करना क्या है कि इस सीरीज में R से मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब R इंटू एस एन लिखेंगे। ठीक, जो भी सीरीज ऊपर है हमारे पास है उसको R से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद इसको लिखना है। और जब लिखेंगे तो एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो जब इसमें R से मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म क्या होगा, ए आर, फिर होगा ए आर स्क्वायर, फिर होगा ए आर क्यू। ठीक है, ये होगा ए आर एन माइनस वन और ए आर की पावर एन। तो ध्यान से देखो हर एक टर्म में R से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो बन गया ए आर स्क्वायर ए आर क्यू और इस तरह से ए आर। अब आपको बस करना क्या है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे सारे टर्म बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ दो टर्म बचता है ये और एक ये बचेगा। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर एन और यहां से में एस एन आ जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने यहां पर सम का फॉर्मूला डिराइव किया सिर्फ दो लाइन में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है इसका डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आराम से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुक्स में सम का फॉर्मूला जो है बच्चों वो ये लिखा जाता है, तो आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है। क्लियर आपको देख रहा होगा कि माइनस अगर ऊपर से और नीचे से कॉमन लिया जाए तो यही टर्म्स आने वाले हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला मिलता है। तो ये बच्चों हम लोगों ने जो निकाला वो है सम ऑफ जीपी जिसमें आर हम लोग का कॉमन रेशियो और ए हम लोग का फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और एन हमेशा नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस आपको ये फिलहाल के लिए फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सम ऑफ जीपी के लिए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे देखो हम लोग पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग सम पे आएंगे।
determine the number of terms in a GP if a1 equal to 3, an equal to 96 and sn equal to 198. तो बच्चों यहाँ पर हमें find out क्या करना है, number of terms को करना है, अगर मेरे पास first term है, nth term है और sum है. तो सबसे पहले start करते हैं nth term से, an. an क्या होता है भाई, a r की power n minus 1. तो an तुम्हें पता ही है 96, a हम लोग को पता ही है 3 इंटू आर की पावर एन माइनस 1. ठीक है, ध्यान से देखो. तो अब हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 32 आर की पावर एन माइनस 1. ठीक है, तो ये एक चीज हमारे पास आ गया. ठीक है, 32 इक्वल टू आर की पावर एन माइनस 1. नाउ अब हम लोग आते हैं एस एन, क्योंकि हमें एस एन पता है. तो एस एन इक्वल टू होता है बच्चों ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. तो एस एन तो हम लोग को दिया ही गया है बच्चों 189, ए की वैल्यू 3. अच्छा, आर की पावर एन की वैल्यू क्या रखोगे? तो ध्यान से देखो, जैसे आर की पावर एन माइनस 1 32 है, तो दोनों तरफ अगर आर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आर जो होगा बच्चों वो आर की पावर क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा. तो हम आर की पावर एन की जगह क्या रख देंगे, 32 आर रख देते हैं. ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर माइनस. अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दो तो आपको मिल जाएगा आंसर. तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 63R माइनस 63 इक्वल टू 32R माइनस 1. तो यहाँ से देखो बच्चों हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये हम लोग का जो आ रहा है 31R इक्वल टू 62 आ रहा है. तो R की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है. ठीक है, तो भाई R अगर मुझे मिल गया तो N तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर रहे हैं. तो ध्यान से देखो, 32 इंटू 2 की पावर N माइनस 1. ठीक है, सॉरी 2 की पावर N, तो ये हो गया 2 की पावर 6, 2 की पावर n, तो n इक्वल टू क्या हो गया 6. तो फाइनल आंसर हो गया बच्चों n इक्वल टू 6. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, nth टर्म और सम का फॉर्मूला यूज करना था और वहां से हम लोग को n की वैल्यू निकालनी थी. तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग को आगे मिलेंगे. अब देखो, जैसे सम निकालने का बात हो रहा है भाई, कि सम कैसे निकालेंगे. तो यहां पर देखो, अब सीरीज हमारे सामने है, उसका सम निकालना है. तो एपी में भी जैसे हम लोग सम निकालते थे, तो वहाँ पर बच्चों हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते थे हर एक सीरीज का, और तब सम निकालते थे. उसी तरह से जीपी में भी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट के लिए अगर देखा जाए, तो हो सकता है कि भाई जो आपको लग रहा हो, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि जीपी है कि नहीं. कुछ मत करो, डिवाइड करना स्टार्ट करो. तो देखो, रूट 6 बाई रूट 2 रूट 3 आ रहा है, रूट 18 बाई रूट 6 रूट 3 आ रहा है. कन्फर्म ये जीपी है, आपको सोचना है नहीं है. अब इसमें सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर बच्चों क्या है हम लोग का, रूट 2. कॉमन रेशियो कितना है, रूट 3, और एन की वैल्यू क्या है, 10. तो सम हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ए हो जाएगा रूट 2, रूट 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1. तो ये 3 की पावर माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस. तो बच्चों ये आ जाएगा हम लोग के पास सम ऑफ जीपीसी. तो बहुत ही आसान सा है, बस फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और नंबर टर्म्स को आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला में पुट करना है. नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर जो जीपीसी मिल रहा है, एक्चुअली ये जो जीपीसी है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं यहाँ पर करेक्शन कर दे रहा हूँ बच्चों. ठीक है, इसको यहाँ पर टर्म्स हैंडेड होंगे. ठीक है, अब जैसे सम ऑफ दिस सीरीज फाइंड आउट करना है मुझे 100 टर्म्स के लिए. ठीक है, तो बहुत ही आसान सा काम है भाई, यहां भी वही काम करेंगे. फर्स्ट टर्म क्या देख रहे हैं, 1. कॉमन रेशियो अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2. एन की वैल्यू क्या हो गई, 100. अब हम लोग एस एन निकालते हैं. ठीक है, तो एस 100 हो जाएगा ए आर की पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ए की वैल्यू 1 है, माइनस 1 बाई 2 की पावर 100 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 2 माइनस 1.
बस इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज जितना हो सके। तो 1/2 की पावर 100 -1/-3/2 इसको हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 1-, तो ये बच्चों आ जाएगा हम लोग को सम ऑफ द सीरीज। नहीं बहुत ही चीज़ें आसान है, आराम से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। अब जो हम लोग सीरीज का सम बच्चों फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो सीरीज कभी कभी हम लोग को डायरेक्ट जीपी नहीं दिखती। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी जो सीरीज हम लोग को दिया जाता है वो मॉडिफाई करके दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने ईपी में भी देखा था कि कभी कभी हम लोग को दो ईपी को कंबाइंड करके सम निकालने मिल रहा था। कभी कभी जीपी में कुछ ऐसा होता है कि जो टर्म्स आपको दिखेंगे वो डायरेक्ट जीपी में नहीं। जैसे आप अगर ध्यान से देखो ये कोई जीपी सीरीज नहीं बन रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आप कोई टर्म इसमें सब्सट्रैक्ट करो या ऐड करो तो ये जीपी बन जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें इस टाइप के प्रॉब्लम में करना है कि अगर कभी आपको मिल जाए कि अगर वो डायरेक्ट जीपी नहीं है तो एक बार उसमें कॉन्स्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखो, शायद वो जीपी बन जाए। तो अब इसमें सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो हम लोग को क्या पैटर्न मिला, मैं इसको बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस हमेशा अगर 1 आ रहा है तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि हम इसे 1-2, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखा इसे हम 1-1/9 लिख सकते हैं, इसे हम 1-1/27 लिख सकते हैं, है ना। और इसी तरह से ये 1-1/81। अब आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई अब तो ये जीपी बन गया सर, यहाँ पर तो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें जो 1 है वो 20 टाइम्स आ रहा है, यानी हो गया 20, और बाकी जो टर्म्स है 1/3, 1/9, 1/27 ये खुद एक जीपी सीरीज बना रहा है 1/27। ठीक है, अब इसका सम निकालना बहुत ही आसान हो गया हम लोग के लिए। सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म है 1/3, कॉमन रेशियो 1/3, नंबर ऑफ टर्म्स 20, 1/3 -1। ठीक है, बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 20-, ये प्लस हो जाएगा 1/2 दिस। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग को सम ऑफ जीपी। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी अगर सम निकाल लो जीपी में तो एक बार ये जरूर देखना कि अगर मान लीजिए हम लोग का डायरेक्ट वो जीपी नहीं दिख रहा है तो एक बार उसमें कॉन्स्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखो, शायद वो जीपी बन जाए, है ना। तो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोग को। जैसे x-x³, x^5, x^7 है तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा। कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो दोनों को डिवाइड करोगे तो -x² हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बच्चों? 100 है। बस ये वैल्यू को सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म में पुट कर दो तो x^x²-1/-x²-1। ठीक है, बस इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ जीपी टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा हम लोग का अलग टाइप का क्वेश्चन, एक करेक्शन यहां पर बच्चों उसको मैं कर दे रहा हूं, यहां एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये सीरीज दिया जा रहा है और मुझे इसका सम निकालना है और मुझे ये चीज ऑब्जर्व हो रहा है कि ये सीरीज डायरेक्ट जीपी तो नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि दोनों को डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो उनका सेम नहीं आ रहा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो टर्म्स हमारे पास होते हैं हम उस केस में उसे क्या करेंगे कि चीज़ों को एक्सपैंड करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो देखते ये है कि अगर हम इसे एक्सपैंड करें, इसे एक्सपैंड करें और इसे एक्सपैंड करें तो हम लोग को क्या मिलता है, क्योंकि क्या ना कि ये डायरेक्ट जब जीपी नहीं है तो चीज़ों को एक्सपैंड करके सोचो आप। इसको अगर एक्सपैंड करते ये बन जाएगा x² + 1/x² + 2। ठीक है,
ध्यान से देखते जाना, इसको एक्सपैंड करोगे तो x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2, ये ध्यान से देखो तो x की पावर 6 1 बाई एक्स की पावर 6। और आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सर यहाँ पर तो जीपी बिल्क सीरीज बन रहा है और वो जीपी सीरीज अलग अलग टर्म्स के बन रहे हैं। जैसे यहाँ जो जीपी सीरीज बन रहा है वो एक इसका बन रहा होगा, है ना, और एक जो जीपी सीरीज है बच्चों वो हम लोग का बन रहा है इसका। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग सम फाइंड आउट करना है और फिर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एंड टर्म्स तक है बच्चों प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 6 इसका सब निकालूंगा एंड टर्म्स के लिए। और ये 2 कितनी बार आएगा बच्चों, 2 हम लोग का एन टाइम्स आ रहा है यानी 2n, ठीक है। अब सब निकालते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां देखते हैं बच्चों 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर n 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखा आपने लोगों ने कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को एक्सपैंड करके सॉल्व किया है। तो आपके माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि सीरीज जो है वो कोई एक पैटर्न पे नहीं, हर टाइप के पैटर्न पर आपको मिल सकता है, तो आपको इसी चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो होगा ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहां पर क्या निकाला, सम ऑफ द सीरीज का फाइंड आउट। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं सम ऑफ द सीरीज, और हम लोगों ने यहां पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आप उसको एक बार घर पर रिवाइज कीजिएगा और देखिएगा कि अगर कोई डाउट रहेगा तो उसको हम लोग वहां डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।